झरिया के जोड़ापोकर थाना क्षेत्र के डिगवाड़ी 10 नंबर न्यू कॉलोनी मैगजीन घर के समीप रहने वाले मुन्ना मंडल 32 वर्षीय ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त कर ली। मुन्ना मंडल प्रतिदिन शराब के नशे में धुत रहता था, घर वाले से आए दिन झगड़ा किया करता था। रात्रि में पत्नी को मारने पीटने के लिए दौड़कर आया था तो पड़ोसी के घर में भाग कर रात गुजारी। आज सुबह जब घर आकर देखा तो उसका पति मुन्ना मंडल आत्महत्या कर उसकी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने जोड़ा पोखर पुलिस को दे दी। पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। रात में दारू पी के आए, दिन भर तो कल दारू पिए, दारू ले के भी आए, नहीं पिए। शाम को फिर गए पीने के लिए, हमको पैसा मांगे तो हम बोले मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास है तो पीजिए, नहीं है तो मत पीजिए। तो बोला मेरा तो उधारी चलता है, तो बोले उधारी चलता है तो मेरे पास जो दारू लाएगा उसको तो हम डंटा ही मारेंगे। बोलेंगे मेरे पास जो हमसे पूछ के जो दारू देता है काकर, तो बोला हम तुमसे पैसा मांग रहे हैं का, हम जा रहे पीने के लिए। गया पीने के लिए, इतना नशा में टोल होके आया था, दरवाज़ा पे खोला, दरवाज़ा पे पटकाया, वहाँ से उसको घसीट के लाए। तुम गाली बकने लगे, मदर चोर ही चोर, तुम लोग हमको घसटी कहाँ काकर। हम बोले कि आपको कौन घसटा है, आप गिरे दरवाजा पे, गिरे अपने गिरे हैं, आपको कौन नहीं घसटा है काका। अंदर आया तो बोला चाकू दो, हम बोले चाकू मेरे घर में नहीं है काका। तो बोले दो तो दो, हम बोले है ये नहीं तो कहाँ से देंगे काका। तो फिर उसको हम यही पूछे कि खाना खाएंगे, तो बोला कि तुम हमको खाना खिलाने वाली हो गई है काका। पूरा खाना ताना तो हंसना हंसा कर दिया, मारने के लिए हमको तोड़े थे, आज तुमको तुम रहे चाहे हम रहेंगे हम तुम्हें को मार देते हैं काका। वो रात में हमसे झगड़ा पूरा किया, हम यहाँ से निकल गए बाहर, बाहर निकल गए तो इसका भाई लोग है ना, इसका भाई लोग है, जैसे का लगेगा उसका था, सब वहीं पे था कि काहे ऐसे करते दारू पी के। तो उसको रात भर 12 बजे तक ले यहीं सब था, यहीं पे वो सुबह निकल के उधर घूमने के लिए भी गया। पूछा कि वहाँ उसका नाना को कि नाना कहाँ गए, बोले कि नाना नहीं है ड्यूटी निकल उधर काम करने गए होंगे। तो फिर उधर से फिर वो घर घुसा, तो हम लोग बोले कि बाहर से कुंडी मारा था, तो हम लोग कुंडी खोल के अंदर आए, दारू पीने से वो हो गए। हमेशा वो हमेशा नशा ही में रहते थे, 24 घंटा कभी नशा में नहीं रहते थे हिम्मत में, सुबह उठते थे चल जाते थे दारू पीने के लिए। क्या नाम आपका? ललिता। क्या पूरा घटना है सर? आज सुबह थाना प्रभारी महोदय द्वारा उन्हें बताया गया कि यहाँ पे BCCL न्यू कॉलोनी में किसी के द्वारा फांसी लगाया गया है, तो वही आया क्लियर हो गया है यार। पता चला कि मुन्ना मंडल जो अपना काम नहीं डेड बॉडी गाड़ी पर नहीं लगा था वो फांसी लगा लिया है सुबह सुबह। तो किस कारण से फांसी लगा लिया सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा फांसी। उसके घर वाले का तो कहना है कि ऐसे कुछ रहता था दबाव में ही, कारण क्या है कुछ क्लियर नहीं है। फांसी लगाई गई है, इसका नाम मुन्ना कुमार मंडल है, 32 साल उम्र है, नशा ये बहुत करते थे। तो क्या कारण रहा फांसी लगाने का? नशा करते थे, डिप्रेशन में के कारण हमको लगता है इस तरह का घटना हुआ है। सामान वामान बिखरा, रात को अपने परिवार के साथ थोड़ा नोकझोंक भी हुआ था उनका, तो परिवार तो दूसरे घर अपना मतलब उनके उन्हीं के बहन कन चल गए थे, यही तो हम लोग को जानकारी मिला है और जानते हैं हम लोग, और फांसी लगा लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू मल्लिक है,